आते हैं भारत, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को लेकर विवाद जोरों पर है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद परसों देर रात केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया और संयुक्त निदेशक नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक तैनात कर दिया। इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में भी ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि ये फैसला लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई की निष्पक्षता पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीबीसी से कहा, सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्वायत्तता निष्पक्षता पर व्यक्तिगत तौर से आक्रमण कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, मोदी अमित शाह की जोड़ी सीबीआई कहीं की नहीं छोड़ी। कारण बड़ा सीधा है, सीबीआई के डायरेक्टर ने रफेल घोटाले के कागज मांगे थे और रफेल घोटाले के भ्रष्टाचार की परतें खुल रही थी। वहीं कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया है। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार रहे अरुण शौरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डर की वजह से सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा है। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने अरुण शौरी से इसकी वजह पूछी। हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी जो कि सीबीआई के डंडे से डरा रहे थे, ये हरिशंकर व्यास मेरे दोस्त थे, वो ये कह रहे थे, तो यही हुआ है कि भी उनको डर था कि भी अगर उनका जो खास आदमी है अस्थाना उस पर बहुत प्रेशर पड़ रहा तो कहीं वो चीजें डिस्क्लोज ना करें। उनको ये डर लगा कि अगर आलोक वर्मा जैसा इंडिपेंडेंट ऑफिसर रफेल पर इंक्वायरी कर देता है तो और उनको पता होगा कि इसकी कोई इसको इंक्वायरी शुरू करने के लिए परमिशन वगैरह नहीं चाहिए, ये कर सकता है, तो फिर बेचारों की बहुत मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि आलोक वर्मा इनसे दबने वाला नहीं था, मगर अब इन्होंने पहाड़ अपने ऊपर एक एवलांश अपने ऊपर करवा लिया है, गिरवा लिया है, इसके कई नतीजे होंगे आगे चलकर। लेकिन जिस तरीके से देर रात में ट्रांसफर हुआ और कुछ जो अधिकारी अस्थाना जी की जांच कर रहे थे उनको पोर्ट ब्लेयर तक ट्रांसफर कर दिया गया, कोई चिट्ठी गई थी या नहीं, वो अगले कुछ दिनों में बाहर निकलेगी। आलोक वर्मा के जैसे आर्ग्यूमेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो जरूर पेश करेंगे कि भी कैसे क्या क्या वाकयात हुए, क्या उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी डॉक्यूमेंट्स के लिए रफेल के बारे में, क्या नरेंद्र मोदी जब उनसे मिले उन्होंने उनको कुछ रफेल के बारे में कहा, या क्योंकि अगर उन्होंने कहा होगा तो वो तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने की बात है और वो हमारे कानून में की नजर में वो एक बिल्कुल क्राइम है, अपराध है। जो सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी होने की परसेप्शन है उस पर फर्क पड़ेगा, तो कोई इनकी छवि अभी तो रही नहीं। पिछले साल डेढ़ साल में जो जो यहाँ से भागे हैं 9,000 करोड़ 12,000 करोड़ लेकर, वो सब इन्हीं के कुनबे के हैं, इन्हीं के नेबरहुड के हैं, तो कौन बिलीव करता है आज ये अमित शाह के लड़के के बारे में जो चीजें बाहर आई, अमित शाह के कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जो चीजें बाहर आई, नीरव मोदी आपके और मेरे दोस्तों नहीं है, चौकसी आपके और मेरे दोस्तों नहीं है, मल्लिया को कैसे भेजा गया बाहर, चौकसी के रिटेनर किसने लिया, आपने तो नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, वो सब इन्हीं के लोग ले रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी। इस पूरी घटना के बाद सीबीआई की छवि को ठेस लगने जैसे सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई में इससे सीबीआई की छवि धूमिल हुई है और उसे स्थापित कैसे किया जा सकता है? ये सवाल हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने वरिष्ठ पत्रकार प्रंजॉय गुहा ठाकुरता से पूछा। बहुत ही खराब हो गया ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, ये भारतवर्ष के सबसे जाने माने जांच एजेंसी है, अभी भी आम आदमी ये जांच एजेंसी के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, और ठीक है ये सरकार, इससे पहले भी सरकार लोग अपने जो विरोधी दल में रहते हैं इनके खिलाफ केस लगाते हैं, और एक तरह से सीबीआई एक तरह से एक इसमें राजनीति आ जाता है बहुत, जिस तरह से हमारे देश के जो सत्ते में है राजनेता, फिर भी आम आदमी सीबीआई के जांच के ऊपर बहुत भरोसा है। आज ये सीबीआई का छवि तो खराब ही हो गया, साथ साथ मोदी सरकार का छवि भी एकदम खराब हो गया। आलोक वर्मा राफेल डील को लेकर के कोई जांच करने वाले थे, ये विपक्ष का दावा है, तो क्या आपको लगता है कि राफेल की आंच अब जो है ऊपर तक पहुंचने लगी है? ये सच है कि जो विरोधी दल में है, आम आदमी पार्टी कहिए, कांग्रेस पार्टी कहिए, सीपीएम कहिए, सब लोग कह रहे कि हाँ आलोक वर्मा को हटा दिया क्योंकि वो रफेल घोटाला में जांच करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है और सब सवालों के घेरे में है, जो दूसरों पर भ्रष्टाचार की जांच करते हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस अधिकारी का काम है कि जो भ्रष्ट लोग हैं इनके खिलाफ जो आरोप लगा है इसके ऊपर जांच करे, इनको अदालत ले जाए, इनके ऊपर एक तरह से सख्त कार्रवाई करना, एक इसके ऊपर अगर सजा देना है तो अदालत जाके इसके प्रोसिक्यूशन का काम करेंगे, इन सब ऐसे लोगों के खिलाफ आज बहुत गंभीर आरोप लग गया। बाजार सब लोग जाते हैं, राकेश अस्थाना जी गुजरात काडर के हैं, वहाँ के बड़े बड़े शहर में पुलिस कमिश्नर थे, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम था वो जो गोधरा कांड के बाद जो जांच हुई थी गुजरात सरकार ने किया, ये राकेश अस्थाना जी का नेतृत्व में होता, तो एक तरह से मोदी जी के करीब लोग समझते हैं कि बहुत ही करीब है। और राहुल गांधी ये भी कह दिया उनका ब्लू आईड बॉय, यानी कि बहुत ही नजदीक है, तो इसमें एक तरह से एक छवि बन गया कि पूरा सरकार राकेश अस्थाना जी को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। सीबीआई की छवि को कितना नुकसान बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रंजोय गुहा ठाकुरता।